ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आजकल हम विश्वविद्यालय तो बहुत बनाए हैं, बनाते रहते हैं और भी आगे भी बनाना होगा, अलग बात है। परंतु विश्वविद्यालय में विश्व की ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, कर्म की गुप्त रहस्यों का ज्ञान आदि ना सुनाने के कारण आज क्या हो रहा है विश्वविद्यालय में? आंदोलन हो रहा है। छोटी सी बात लेकर के आज आंदोलन, आंदोलन भी वो करके क्या हो रहा है? हिंसा के रूप धारण हो रहा है। हिंसा के रूप भी क्या हो रहा है? सरकारी संपत्ति को जलाने का काम हो रहा है। वह खुद जो जिन्होंने रक्षक है उनको भी जलाने का कोशिश हो रहा है, माने हिंसा का रूप धारण हो रहा है। हमारा शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरा है। शिक्षा मनुष्य को संस्कार देने के बजाय, शिक्षा सुसंस्कृत बनाने के बजाय, शांतिवान बनाने के बजाय, सद्भावना के बजाय और ज्ञान की अच्छा होकर के कोई भी समस्या को समाधान करने की बजाय हिंसा का रूप धारण, इससे सिद्ध होता है हमने जो शिक्षा अभी तक तो देते आए उसमें कहीं अधूरी है, संपूर्णता नहीं है। इसके अरिंद ईश्वरीय विश्वविद्यालय कभी आंदोलन में विश्वास नहीं करते। क्यों? बाबा ने कहा था क्रोध करना महापाप है। आज भी बाबा ने क्रोध करना मना तीसरी मंजिल से नीचे गिरना। पहले बाबा और भी इससे आगे बढ़ करके बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, वासना महाशत्रु। कभी कभी विश्वविद्यालय में अनेक स्थानों पर जो घटना घटती है उसको देखने के बाद में बाबा ने ऐसी शिक्षा दे करके मन से भी, संकल्प से भी, वाचा से भी, कर्म से भी, दृष्टि से भी, वृत्ति से भी क्या बनना? पवित्र बनो, योगी बनो। ये शिक्षा कोई विश्वविद्यालय नहीं देते हैं। देते हैं? यदि देता है तो आजकल क्या क्या घटना घट रहा है, क्या क्या रिपोर्टिंग हो रहे हैं, क्या क्या टेलीविजन में दर्शा रहे हैं, क्या क्या कानून बना है, इस कानून बनने के बाद में भी रोक नहीं हो रहा है। बाबा ने ये शिक्षा दिया, जिन्होंने इस शिक्षा को अपने जीवन में धारण किया उन्होंने इन बातों को पहचान लिया, इसकी महात्मता को पहचान लिया, पवित्रता के। उसके कारण आज स्त्री रत्न की उपाधि ले रहे हैं, सिर्फ बहनों का ही नहीं भाई लोग भी हैं, भाइयों को भी बाबा ने महान बनाया। इसके लिए ये जो शिक्षा देने के लिए जो कोई धर्म कहीं ने धर्मशास्त्र में भी ये बात है उल्लेखन है, परंतु फिर भी प्रैक्टिकल नहीं है। काम वहाँ शत्रु ये बात है बाबा ने सिर्फ कहा नहीं है, परंतु इस सरकारी आजकल धर्म नेता भी, धर्म स्थापक से लेकर के आजकल सरकार को भी काम को कॉन्जुगल राइट बना दिया। काम कहा, परंतु धर्म शास्त्र लिखने वाले से लेकर के आज तक जितने भी सरकार आए गए आते रहेंगे उन्होंने कहा काम एक कॉन्जुगल राइट है, काम वासना में गिरना हमारा अधिकार है, हमारा हक है। यहाँ तक मनुष्य अंधकार में गिरा, ये सबसे बड़ी महान ये शिक्षा देखी कितनी अच्छी ऊंची बात है, परंतु हम कैसे पतन की ओर जा रहे हैं। धर्म स्थापक लोग भी पतन के लेके गए और राज्य सत्ता के लोग भी उसको पतन की ओर लेके जाए, ऐसे पतन हुए दुनिया को उत्थान करना, महान बनाना, वरिष्ठ बनाना, देवता बनाना है, किसकी काम है? बाबा ने, ये बाबा ने किया, ब्रह्म बाबा ने भी उसको उठाया। शिव बाबा ने कैसे उठाया? सबसे पहले बाबा ने अपना जो भी बच्चे उस समय में समर्पित किए उन समर्पित बलों को शिक्षा, उनको कोई धर्म सत्ता के लिए लड़ाई नहीं किया, धन सत्ता के लिए लड़ाई नहीं किया, संपत्ति सत्ता के लिए लड़ाई नहीं किया, परंतु उनके एक केवल विश्वास बढ़ाया, आत्मविश्वास बढ़ाया, स्वयं में विश्वास बढ़ाया, स्वयं का स्वमान के बारे में शिक्षा दिया, परमात्मा के बारे में शिक्षा दिया, कर्म दर्शन के बारे में शिक्षा दिया, भविष्य की जीवन क्या बनाना है उसके बारे में शिक्षा दिया, पर्यावरण प्रकृति के बारे में शिक्षा दिया। और ये शिक्षा दे करके बाबा ने एक विश्वास बढ़ाया। आज विश्वास क्या हो रहा है? विश्वासघात
तक हो रहे हैं, विश्वास टूटते जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार में विश्वास टूट रहा है, समाज में विश्वास टूट रहा है, नेता में विश्वास टूट रहा है और अनेक आर्थिक सत्ता में विश्वास टूट रहा है। हमारा ब्रह्म कुमारी इसका शक्ति क्या है? एक तो विश्वास की शक्ति, और जो अविश्वास का जो आज कई बार लोग ना अविश्वास मंडन करते हैं वो बात ही नहीं है। विश्वास बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ता है ब्रह्म कुमारी सेंटर बढ़ते जाते हैं, बढ़ता है ना। इसके लिए नंबर वन विश्वास, दूसरा जो है पवित्रता की शक्ति बढ़ा। सारी दुनिया में पवित्रता की शक्ति घट रहा है। दूसरा जब क्या बढ़ रहा है, आत्मिक बल बढ़ रहा है, आत्मा में ताकत शक्ति बढ़ रहा है, क्योंकि पवित्र बनेगा तो आत्मा में ऑटोमेटिक। सत्यता की शक्ति, हम तो दीप जलाते हैं बहुत दुनिया से, बहुत समय से, बहुत वर्षों से, बहुत काल से हम दीप जलाते हैं, मंदिरों में जलाते हैं, हर कार्य में जलाते हैं, बहुत कुछ जला है, फिर भी दीप जलने के बजाय जैसे दीप इमिडिएटली बुझाते हैं, ऐसी सारी संसार में आत्मा का ज्योति को बुझा रहे, बुझा रहे, सिर्फ बुझाने के काम नहीं थे, जला रहे हैं शरीर सहित। ऐसी दुनिया में बाबा ने हमको आत्मा ज्योति जगा करके क्या बना रहे हैं, फरिश्ता बना रहे, फरिश्ता से देवता बना रहे, ऐसी देवता की दुनिया।